हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टेक माइंड रवि पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और मेरा ये वीडियो है दोस्तों कि हम YouTube चैनल के वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली हमारा जो YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, अगर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर करके या कोई भी रिकॉर्डिंग करके, तो अगर उसको अपलोड करते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन पे दिखाई देता है। जब भी हम YouTube चैनल ओपन करके जब वो वीडियो को देखना शुरू करें तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं आगे और नया नया वीडियो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और कुछ नया नया चीज़ें सीखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। हम लोग कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर पे थंबनेल कैसे डालते हैं यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड वीडियो के लिए, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरत होती है कुछ एप्लीकेशंस की, जैसे कि फ़ोटो एडिटर और फोटो एडिटर है उसमें से एक और पिक्सलर भी है। ऐसे मैं ये दोनों एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। वैसे अभी तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो फ़ोटो एडिटर का फ़ोटो एडिट करने के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो चलिए, मैं ये वीडियो जो है इसी के लिए बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम लोग जैसे जाते हैं, यहाँ पर हम लोगों को पिक्सलर करके एक एप्लीकेशन आता है, जिससे मैं अपना वीडियो जो है ये वीडियो के लिए एडिट वगैरह करता हूँ या फिर थंबनेल बनाता हूँ। तो इसके लिए पिक्सलर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर से ऑलरेडी नीचे में दिखाई दे रहा है कि पिक्सलर फ्री फोटो एडिटर। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा अनइंस्टॉल और ओपन दिखा रहा है। मेरे में इसलिए ओपन दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। बट दोस्तों, अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना पड़ेगा और उसको फिर इंस्टॉल करके आगे सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। और ये जैसे ही ओपन दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से फ़ोटो एडिटर पे जाना रहेगा। फ़ोटो एडिटर फिर हम लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर से सर्च करना है फ़ोटो एडिटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे में आ गया फ़ोटो एडिटर। जैसे मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है छठवें नंबर पे, ये फ़ोटो एडिटर करके है। यहाँ पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर ये इसका जो आइकन है दिखने लगा फ़ोटो एडिटर का, और यहाँ अनइंस्टॉल और ओपन का जो सिंबल है ये दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है और अनइंस्टॉल का। तो दोस्तों, अब मेरे को ये कैसे हम लोगों को थंबनेल बनाना है उसके लिए जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा इस एप्लीकेशन पे। मैं इसको सर्च करता हूँ अपने मोबाइल के आइकॉन्स पे, डिस्प्ले आइकॉन्स पे। यहाँ पर देखता हूँ कि ये दोनों एप्लीकेशंस कहाँ है। तो ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पर रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही हम लोगों को कोई भी थंबनेल बनाना है तो इसके लिए पहले हम लोगों को यूज़ करना है फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को। जैसे मैं फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन को क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से फ़ोटो एडिटर को क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर से ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को इस साइड या सेटिंग वगैरह देखना है तो सेटिंग भी देख सकते हैं आप। ये सारा इसका सेटिंग लैंग्वेज वगैरह का है। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जाना है सेकंड पे फर्स्ट जो न्यू प्लस करके लिखा हुआ है, इसको जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर से देखिए विड्थ इसका 1280 और जो है हाइट जो है 720 दिखा रहा है। ये हमारे यूट्यूब का जो डिस्प्ले होती है, यूट्यूब चैनल्स के लिए जो वीडियो आती है उसके लिए परफेक्ट होता है। तो इसके अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे दिखा रहा होगा कैंसल और ओके, तो मेरे को ओके को क्लिक करना रहेगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप पे एक ऐसा फाइल टाइप आ गया है, फ़ोटोज़ का इमेज जो आता है उस टाइप का। अब इसको सबसे ऊपर में दिखा रहा होगा एरो और यहाँ पर 1280 मल्टीप्लाई बाई 720 दिखा रहा होगा, उसके आगे 51% और एक डाउनलोड जैसा होता है वैसे ब्लू टाइप में ये एरो टाइप साइन मार्क दिखा रहा है, इसको मेरे को क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं इसको क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा गैलरी शेयर और वॉलपेपर सेव एज ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है, तो मेरे को गैलरी पे जाना रहेगा। जैसे मैं गैलरी पे यहाँ पर गया, द इमेज हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, बैक कर देना है। अब हमको ओपन करना रहेगा पिक्सलर एप्लीकेशन। जैसे मैं इसको ओपन किया, यहाँ पर देखिएगा कैमरा फोटोज़ और कॉलेज और टेम्पलेट करके ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसमें मेरे को जो बीच पे है फ़ोटोज़, इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, देखिएगा वो ब्लैंक वाला जो इमेज है वो यहाँ पर सेव दिखा रहा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, अब इस एप्लीकेशन पे देखिएगा, सबसे नीचे अगर देखते हैं अपन तो यहाँ पर फाइव टाइप्स का इस पे सिंबल दिखा रहा है। तो इस पे हमको सबसे राइट साइड पे जो है लास्ट पे, इसको टी करके, इसको टी वाले जी को क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं टी को क्लिक किया, यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट टाइपिंग जो आता है वो दिखाने लगा। अब यहाँ पर मेरे को थंबलर कैसे बनाते हैं ये नोट करना है इस पे। जैसे मैं इसको नोट कर रहा हूँ, देखिएगा दोस्तों, थंबनेल कैसे बनाते हैं, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, थंबनेल कैसे। और यहाँ पर थंबनेल है जो थंबनेल के पास में, जैसे ही अपन लेफ्ट साइड से थोड़ा इसको आगे स्लाइड करना है ताकि जो वीडियो कटे ना, सॉरी ये जो वर्ड है ये कटे ना जब हम सेट करेंगे इसको। और इसके नीचे में हमको नोट करना है थंबनेल कैसे बनाते हैं। थंबनेल कैसे बनाते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोगों को इसको भी थोड़ा सा ऐसा जो है आगे स्लाइड करना रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर कुछ जैसे डिज़ाइंस वगैरह डालना रहे तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे नीचे से, और यहाँ पर से थंबनेल है तो इसलिए मैं थंब का जरली एक बना देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये कि यहाँ पर आ गया है, और एक इस साइड पे भी बना देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर देता हूँ ताकि होता क्या है वो कटे ना वीडियो जो, सॉरी इसका इमेज जो है। अब यहाँ पर से हमको क्या करना है, नेक्स्ट सबसे ऊपर पे कट और नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा होगा तो हमको राइट साइड पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिएगा यहाँ दोनों थंब दिखाने लगा बट वर्ड नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर से हमको क्या करना रहेगा, नीचे पे ABC का ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस दिखा रहा है तो हमको एक को सेलेक्ट करना है। जैसे हम लोगों को एक को डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन देता है, कोई भी अलग अलग डिज़ाइन आता है, तो इस पर हमको सेलेक्ट करना है ABC जो अच्छा लगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कीपैड का एक ऑप्शन दे रहा है और टी और स्मॉल टी दिखा रहा है, वहाँ पर से थोड़ा और आगे एक साइन दिखा रहा है, इसको हमको क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक किया, एक्चुअली क्या है कलर कॉम्बिनेशंस के लिए होते हैं। अब यहाँ पर हमको एक लाइनिंग्स आ गया है जिसपे कलर्स है, इसको स्लाइड करना है आगे पीछे, और हमको जो अच्छा सा कलर लग रहा है उस पर हमको छोड़ देना है वहाँ पर जाके, ये कलर मेरे को जैसे अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर थंब नेल कैसे में ई जो है वो कट गया है, तो इसको मेरे को सेट करना है। तो फिर सबसे ऊपर टाइप पे जाऊँगा मैं, टाइप पे जाने के बाद में यहाँ की पैड पे जाऊँगा। जैसे की पैड पे गया, थोड़ा सा इसको बेक करना पड़ेगा, इसको मैं जैसे ही थोड़ा बेक किया हूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर देखिएगा थंबनेल कैसे बनाते हैं, इसका सही जो डिस्प्ले है वो आ गया है। अब यहाँ पर से सबसे नीचे अगर देखिएगा, कट और राइट का साइन मार्कर दिख रहा है तो हमको राइट को क्लिक करना रहेगा। जैसे मैं राइट को क्लिक किया दोस्तों, सबसे ऊपर पे देखिएगा अपर एरो दिखा रहा है और डन दिखा रहा है राइट साइड पे, तो डन करना है। जैसे मैं डन पे क्लिक किया, यहाँ पर शेयर करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है सबसे नीचे पे, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सेव इमेज और मोर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मेरे को इस पर सेव इमेज करना है। सेव इमेज मैं जैसे किया, यहाँ पर दिखाने लगा सेव इमेज पे, स्मॉल साइज़ पे है, मीडियम साइज़ पे है, और मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल के वीडियो पे होती है वो दिखा रहा है 1280x720। इसी को मेरे को ओके कर देना है। जैसे मैं इसको ओके किया दोस्तों, ये फाइल पे सेव हो गया है ये इमेज, और हमको यहाँ पर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हमको ये सेव कहाँ पर है ये सर्च करना है, तो इसके लिए हम लोग फाइल मैनेजर पे जा सकते हैं, या फिर एल्बम पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोगों को फ़ोटोज़ पे भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ इस पर फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा पिक्चर्स है, पिक्चर्स पे मैं जा रहा हूँ। पिक्चर्स में सबसे नीचे अदर एल्बम्स दिखा रहा है तो अदर एल्बम पे जा रहा हूँ। अदर एल्बम में देखिएगा सबसे ऊपर दिखा रहा है पिक्जलर और नीचे फोटो एडिटर्स, तो मैं पिक्जलर पे क्लिक करता हूँ। पिक्जलर पे जैसे क्लिक किया दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर ये थंबनेल कैसे बनाते हैं ये जो है यहाँ शो होने लगा है। तो
दोस्तों देखिए, हम अब आप भी ये वीडियो देख के सीख जाएंगे कि कैसे थंबनेल हम लोग बनाते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है फोटो एडिटर और पिक्सलर एप्लीकेशन के थ्रू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों दूसरा वीडियो लेके। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।